नमस्कार, मैं हूं अपनी चौधरी और आप देख रहे हैं अल्पकास्ट टीवी। जैसे कि आप सभी को पता ही हुआ, इन दिनों चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावी दौड़ चल रहा है। वहीं अगर बात करें मतदान की, तो 24 तारीख को मतदान है। सिर्फ दो ही दिन रह चुके हैं और इस बार मैदान में टोटल 203 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। सभी अपने अपने कैंपेन में जुटे हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 में, जिसके अंतर्गत आते हैं सेक्टर 1 से 10 तक। सेक्टर सभी लगभग सेक्टर इसके अंदर आते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हरमोनिंदर सिंह लक्की जी से। उनका क्या कुछ कहना है, उनकी कैंपेनिंग कैसी रही है और किन किन मुद्दों के साथ वो इस बार मैदान में उतरे। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई प्रकाश टीवी की ओर से कि आपको कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट मिला है। धन्यवाद। और मैं प्रकाश टीवी के सभी दर्शकों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि वह निरंतर हमारी कवरेज को देखते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं और उनके सुनने के बाद अपना विचार बनाकर इस नगर निगम के चुनाव के अंदर अपना मतदान करेंगे। सर, पहले तो ये बताइए कि आपकी कैंपेन कैसी रही और किन किन मुद्दों के साथ इस बार आप मैदान में उतरे। देखिए, इस समय जो कैंपेन है वो बड़ी ही साफ सुथरी हमने कैंपेन की है। हमारा मुद्दा सिर्फ है चंडीगढ़ को लेकर। ये चंडीगढ़ जो है इसको सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है और सिटी ब्यूटीफुल आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिटी ऑफुल बनता जा रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चंडीगढ़, मैं ओरिजिनल चंडीगढ़ी हूँ। मेरा सेक्टर 8 के अंदर जन्म हुआ, मैं यहीं पला बड़ा और यहीं मैंने इन्हीं सेक्टर्स में अपनी पढ़ाई की, अपनी ग्रेजुएशन की, अपनी लॉ की। तो मुझे दुख होता है कि जब मैं चंडीगढ़ के गिरते हुए स्वरूप को देखता हूँ। इसकी रैंकिंग हमारे समय में पहले नंबर पे थी और आज जब भारतीय जनता पार्टी का समय है तो ये रैंकिंग गिरकर 66वें नंबर पर आ गई है। बहुत शर्म महसूस होती है और मैं समझता हूँ कि बुरा उनको भी लगता होगा क्योंकि चंडीगढ़ एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ हर तरह के फूल हैं। फूल से मेरा मतलब है कोई उत्तराखंड से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई हिमाचल से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, अन्य स्टेटों से भी बहुत लोग यहाँ पर आकर बसे हैं। उन्होंने भी एक सपना संजोया था कि हम चंडीगढ़ जैसे सुंदर शहर में जाकर बसेंगे और इसकी सुंदरता का आनंद लेंगे और एक अच्छा जीवन यहाँ पर हम व्यतीत करेंगे। मगर हो क्या रहा है कि जो रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, जो लोगों का जीने का स्तर है वो लगातार यहाँ पे गिरता जा रहा है। आप देखिए, पार्कों का बुरा हाल है, गलियों का बुरा हाल है, डार्क स्पॉट्स इतने शहर के अंदर बने हुए हैं, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, पत्थर टूटे हुए कहीं पे मलबा, कहीं पे टाइलें टूटी हुई है। बहुत बुरा हाल जो है चंडीगढ़ का होता जा रहा है, इसी वजह से रैंकिंग गिरती जा रही है और कचरा प्रबंधन में हम पीछे जा रहे हैं। अगर बात की जाए चंडीगढ़ में और अगर आप जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो सबसे पहले किन किन कार्यों को आप प्राथमिकताएं देंगे? देखिए, मैंने तो सबसे पहले एक सोच रखा कि हमारा जो पर्टिकुलरली वार्ड है, चंडीगढ़ की बात हम बाद में मैं करूंगा, सबसे पहले मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि जगह जगह मलबा गिरा हुआ है, टूटी टाइलें, कहीं पर पेवर ब्लॉक टूटे हुए हैं, कहीं पे गंद पड़ा है, कहीं पे मलबे के ढेर लगे हुए हैं। सबसे पहले तो जीतने के बाद मैं 1 हफ्ते 10 दिन का सफाई अभियान यहाँ पर चलाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना कूड़ा करकट, कचरा, टूटे पत्थर, टाइलें, गंद यहाँ पर पड़ा है, मलबा पड़ा है, उस सबको उठाया जाए, साफ सफाई की जाए। दूसरा, सर्दियों का मौसम है, बहुत से लोग धूप में, बुजुर्ग हैं, उनको धूप नहीं मिलती। विटामिन डी एक बहुत बड़ा सोर्स जो है, धूप एक बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन डी का। बहुत से पेड़ों की प्रूनिंग होने की जरूरत है, उससे दो फायदे होंगे। एक तो लोगों को धूप मिलेगी, विटामिन डी मिलेगी। दूसरा, बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पर लाइटों के आगे पेड़ आए हुए हैं, उसकी वजह से जो है प्रॉपर लाइट नहीं हो पाती, तो वो पेड़ों की प्रूनिंग का काम किया जाएगा। फिर जितने पार्क हैं उनको और सुंदर बनाने का, जहां पर रेलिंग लगनी है, कहीं टूटी हुई रेलिंग है, कहीं टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट्स बीच में खराब हुए हुए हैं, कहीं पर ग्रीनरी की जरूरत है, कहीं पर प्लांट्स लगाने की जरूरत है, कहीं पर मैं समझता हूँ वॉकवे बनाने की जरूरत है, कहीं बीच में लाइट्स लगाने की जरूरत है। बहुत से ऐसे काम हैं जो पार्क्स के अंदर भी होने वाले हैं। फिर हमारी जो बैक लेन्स हैं उनकी पूरी तरह सफाई हो, अच्छी कॉन्क्रीट की बनी हो, बिल्कुल साफ सुथरी दिखती हो, मार्केट्स के अंदर डेकोरेटिव लाइट्स हों, पार्किंग स्पेसेस डेवलप हों ताकि लोगों को अपनी गाड़ियां लगाने में दिक्कत ना हो। बहुत काम कॉरपोरेशन के जिम्मे हैं और मैं सबको एक एक करके करूंगा। और मैं ये भी वादा आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों से करना चाहता हूँ और उनको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर 6 महीने के अंदर मैंने अपने वार्ड का स्वरूप नहीं बदला और लोगों को यहाँ पर चेंज नहीं नजर आया, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और पूछूंगा कि आप मुझे चाहते हो कि मैं आपका पार्षद बना रहूं और उनको मेरा काम पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं 6 महीने बाद अपना इस्तीफा दे दूंगा। मैं इस कमिटमेंट के साथ लोगों के बीच में जा रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी गंदगी और मलबे की बात की, तो वहीं आपकी विपक्षी पार्टी बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि जो बात की जाए डंपिंग ग्राउंड की, डंपिंग ग्राउंड को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस ने यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे पहले जो प्लांट लगाया था, जेपी प्लांट लगाया था, ठीक है, विद एज, समय के साथ वो ऑब्सोलीट हो गया। तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है जो अभी सत्ता में है?
अब जो सत्ता में है उनको चाहिए था कि उसकी मॉडर्नाइजेशन करे, उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत थी। आप आज भी भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, आज भी कुछ होता है तो 50 साल 60 साल पहले की बात करते हैं, जी नेहरू जी ने किया था। अरे पिछले 7 साल में केंद्र में 8 साल में सत्ता में आप हैं, 10 साल से आपके यहाँ पर नगर निगम के अंदर आपके एमपी हैं, आपकी सत्ता है, तो जवाबदेही तो आपकी बनती है। कब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे? आज आपके हाथ में है तो आप कर सकते थे, क्यों नहीं वो साफ हो सकता था? वो कूड़े का पहाड़ कहाँ बन गया? हमारे समय में वहां पर सुंदर पार्क हमने बना दिया था, लोग फुटबॉल खेलते होते थे, और आज हालात आपके सामने है। आसपास के जो 3-4 एरियाज हैं वहां पर 3-4 वार्ड्स लगते हैं, लोगों को इतनी दुर्गंध आती है, इतना बुरा हाल है वहां से, इतनी जहरीली गैसेस वहां से निकलती हैं, कितने पॉइजनस गैसेस वहां से निकलती हैं, आसपास के लोगों को बीमारियां फैल रही हैं, बदबू इतनी आती है। उसके जिम्मेवार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और वो अपनी जिम्मेवारी किसी और पर थोप नहीं सकते, किसी और पर दोषारोपण कर नहीं सकते। लोग उनको जो उन्होंने गलत काम किए हैं, जो चंडीगढ़ को रैंकिंग गिरी उसमें एक ये भी बड़ा कारण है, तो अपने आप को वो बचा नहीं सकते, लोग उनकी सारी कारस्तानी को देख रहे हैं। पार्टी ने देश में विकास किया तो वही कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस पार्टी का समय था उन्होंने भ्रष्टाचार अनेक किया, तो उसके ऊपर देखिए बात आज चंडीगढ़ की हो रही है। हाँ जी, ये हमेशा लोकल इश्यूज को भटकाकर नेशनल इश्यूज को लेकर आने की कोशिश करते हैं, मगर नेशनल इश्यूज में भी बात करें तो ये देश के अंदर जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस पार्टी, इस शहर चंडीगढ़ को बसाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, पीजीआई जैसा अस्पताल बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी संस्था बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, भाकड़ा जैसा डैम बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, रोड़तेगा भिलाई से स्टील प्लांट लगाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। और आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, ये जब 70 साल कहते हैं तो तभी झूठ बहुत बड़ा बोलते हैं। उनमें से 5-6 साल तो वाजपेयी रहे, फिर जनता पार्टी की सरकार भी रही, 50-55 साल कांग्रेस के रहे। वो इस वजह से भी रहे क्योंकि लोगों ने प्यार किया कांग्रेस को, बार बार ऐसे नहीं कि कांग्रेस अपने आप आकर सत्ता में बैठ जाती थी, लोग वोट डालते थे, लोग प्यार करते थे, लोग समर्थन देते थे, इस वजह से कांग्रेस इतने साल सत्ता में थी। पर मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा अंतराल हो गया था, लोग शायद चाहते थे, और मैं समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर चेंज स्वाभाविक भी होता है, इसलिए शायद लोगों ने भाजपा को जमा कर देखा, मगर लोग आज त्रस्त है। इकोनॉमिक फेलियर पूरी तरह से, प्राइस राइज पूरी तरह से, गैस के दाम देख लीजिए आप, तेल के दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए आप, सब्जियों के दाम देख लीजिए, आज टमाटर के दाम देख लीजिए 80 से 100 रुपए हुए हैं, आप कमर्शियल सिलेंडर का दाम देख लीजिए, आप कोई भी और ऐसी चीज देख लीजिए जो कॉमोडिटी है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं और कोई प्राइस राइज पे चेक नहीं है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ खड़ा है? तो ये नेशनल इश्यूज की बात करते हैं तो ऐसा कुछ इन्होंने देश के अंदर नहीं किया, बल्कि देश को इन्होंने आज बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया। लखी जी, अगर बात करें किसान आंदोलन जो कि एक समय एक साल से चलता आ रहा है, उसमें 700 के करीबन किसान शहीद भी हुए हैं, आपको क्या लगता है कि एकदम से मोदी जी ने एक साल पूरा होने पर गुरुपर्व के दिन ये 3 कृषि कानून वापस लिए, ये कोई नई रणनीति है या वाकई में उनके मन में क्षमा का अभाव था? एक कहावत है, मरता क्या ना करता, तो इस करके वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की वो स्थिति है, जो कहते थे कि मैं शायद कभी झुकूंगा नहीं, और उनको झुकना पड़ा। लोगों की आवाज क्या थी, किसान की आवाज क्या थी, क्योंकि किसान की आवाज के अंदर इस देश के जवान की आवाज भी है, किसान की आवाज के अंदर इस देश के नौजवान की आवाज भी है, किसान की आवाज के अंदर इस देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो एहसान मानता है उन किसानों को जिनकी वजह से आज हमें खाना मिलता है। इन्होंने उनकी आवाज को जबाने की कोशिश की, इन्होंने कहा कि हम उनके फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी पार्टी देख रही हूँ कि ये किसानों का फायदा करना चाहते हैं और किसानों को ही नहीं समझ आ रहा कि हमारा क्या फायदा हो रहा है। और इनको मजबूरी में जब लोगों ने इनको हरा दिया असेंबली के चुनावों के अंदर, तब जाकर इनको मजबूरी के अंदर ये कानून वापस लेने लिए, ये स्वेच्छा से नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा महिंदर सिंह टिकैत जब गए वहां पर जनरल साहब की शहादत के ऊपर, तो वहां पर भी इन्होंने उनके नारेबाजी की, उनके खिलाफ बोले राकेश टिकैत की, और उस समय भी ये उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि इनके मन के अंदर एक क्या कड़वाहट है, एक जल्लाहट है, मजबूरी में इन्होंने ये वापस लिया, कोई अच्छाई के लिए नहीं लिया। अगर अच्छाई के लिए होता तो पहले ये कानून बनाते ही नहीं। ये पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ चंद करोड़पतियों की जो 4-5 बड़े परिवार है उनकी सरकार है, आम आदमी के बारे में ये कुछ नहीं सोचते। जनता को इन्होंने बेहाल कर रखा है और लोग अब इनको समझ चुके हैं। अभी हिमाचल के अंदर इतनी बुरी तरह से इनको हराया है, वो एक मैसेज दिया है, महंगाई के खिलाफ मैसेज दिया है। चंडीगढ़ में भी उतनी महंगाई फैली हुई है, उससे ज्यादा महंगाई फैली हुई है। यहाँ सिर्फ अमीर लोग नहीं रहते, यहाँ पे मिडिल क्लास, गरीब लोग, बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको जरूरत है,
मगर ये उनकी जरूरत को समझते नहीं है। थोड़ी तनख्वाह में कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेंगे, कैसे उनकी फीस देंगे, कैसे उनकी कॉलेजेस की जो किताबें लेंगे या उनकी एजुकेशन की फीस भरेंगे। बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। तो इसके लिए लोग इनको सजा देंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर शिकस्त मिलेगी। लोग इनको मैसेज देंगे, इनका अहंकार टूटेगा और चंडीगढ़ दोबारा से नंबर वन बनेगा। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में नगर निगम में हर बार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पहले से ही है, लेकिन इस वक्त पहली बार आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरी है। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम वादे नहीं, हम गारंटी के साथ लोगों के कार्य पूर्ण करेंगे। जो आम आदमी पार्टी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में उसका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने सिर्फ चुनाव लड़ा, पहले गुलपनाग ने यहाँ से चुनाव लड़ा, उसके बाद 5 साल वो गायब हो गए, उसके बाद धवन साहब ने यहाँ पे चुनाव लड़ा, उसके बाद वो नजर नहीं आया, उसके बाद अभी नगर निगम का चुनाव आ गया तो आम आदमी पार्टी आ गई। ये उसके बीच में कोई जनता से जुड़े मुद्दे उन्होंने कभी उठाए, कभी उन्होंने पानी के बड़े हुए दामों को लेकर कोई एजुकेशन यहाँ पर किया, कभी सीवरेज के बड़े हुए दामों को लेकर उन्होंने कोई एजुकेशन किया, कभी बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई एजुकेशन उन्होंने यहाँ पर किया, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर उन्होंने कोई एजुकेशन यहाँ पर किया। क्या लोगों के मुद्दों को कभी आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ के अंदर उठाया? नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आज यहाँ पर आ गए हैं। लोग सब समझते हैं, लोग समझदार हैं, लोग सब देखते हैं, उन्हें पता है हम चंडीगढ़ के लोग हम मुफ्त कोरी नहीं चाहते। 40 रुपए का पानी का वादा कर रहे हो, 40 रुपए के पीछे कोई किसी का जीवन में बहुत बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आ जाएगा। लोग चाहते हैं साफ पानी मिले, सुथरा पानी मिले। आज कहते हैं कि जी हम कचरे का पहाड़ यहाँ पे डालेंगे, दुनिया देश का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ तो दिल्ली के गेट के ऊपर है, क्यों नहीं केजरीवाल जी ने वो हटा दिया? लोगों को सबसे पोल्यूटेड सिटी आज इंडिया की दिल्ली बन के रह गई है, क्यों नहीं केजरीवाल जी ने वहां पोल्यूशन कम कर दी? क्यों नहीं वहां पर बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही? आज क्यों लोग वहां पर दुखी है? ये कहने की बातें हैं। केजरीवाल जी भी जो है पहले कर बातें कुछ और करते होते थे और आज कुछ और करते हैं। उस समय उनका स्वरूप कुछ और था, आज उनका स्वरूप कुछ और है। आज वो एक मजे राजनेता बन गए हैं, सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं करते और लोग उनको समझ सके हैं। इसीलिए यहाँ पर भी जब वो चंडीगढ़ में आए थे लोगों ने पूरी रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया और यहाँ पर भी आप देखोगे कि 35 में से एक भी सीट जो है आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में नहीं चल रही। आप अपने वोटवासियों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपने वोटवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का पार्षद यहाँ पर बना था और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप बाहर निकल के अपने अपने घर से देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है, जगह जगह टूटी टाइलें, मलबा, खंड सब जगह, और रैंकिंग जहां गिरी वो भी हमने सर्वेक्षण नहीं किया, वो इनकी जो गवर्नमेंट है उसने सर्वेक्षण किया, भारतीय जनता पार्टी। आप ये सारी चीजें देखें, आप महंगाई देखें, आप अनएम्प्लॉयमेंट देखें, आप इकोनॉमिक मेस देखें, आप सारी चीजें देखकर फैसला लें कि आपका वोट किसको देना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया था, मौका मुझे दो इस बार, अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं काम करके दिखाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं अपने वार्ड के वोटर्स को सिर शर्म से झुकने नहीं दूंगा कि मुझे उन्होंने चुना है। मैं दिन रात काम कर इस वार्ड की तस्वीर बदलूंगा और इसको एक सुंदर वाइब्रेंट ब्यूटीफुल वार्ड बनाएंगे। और मैंने एक मैनिफेस्टो भी अपना जारी किया है जिसके अंदर मैंने सारी जो जो मैंने काम करने हैं उसको लिस्ट किया है। लोगों से अपील है कि उस मैनिफेस्टो को गो थ्रू करें और मुझे मौका जरूर दें। बहुत बहुत जैसे कि आपने सुना ही होगा, लक्की जी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने वादा किया है कि जब भी मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो 6 महीने बाद लोगों के बीच जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे खुद पूछूंगा कि मैं काउंसलर बनने के लायक हूँ या नहीं। ऐसा पहले उम्मीदवार ने कहा है। ऐसे कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर। मैं ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।